तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिषेक इंदौरी में। तो आज चुका हूँ इंदौर के छोटा सराफा बाजार में, जहाँ पर एक कपल सर्व कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाटी। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ बातें कर लेते हैं और जानते हैं क्या क्या प्रकार की उनकी बाटी मिलेगी। आइए चलते हैं। तो नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक है भैया। लेके आया इंदौरी जनता सर? हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा हम पिज्जा को कन्वर्ट करने की कोशिश में बचपन को हम लोगों ने टारगेट किया है। जो आप ये देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाटी है, इसके अंदर 8 तरह के मैरिनेशन है, 4 तरह के डिफरेंट आटे से मिलकर ये बनी है। ओके। जिसमें गेहूं का आटा, बाफला आटा, मक्का आटा और बेसन, इसमें मैदा वगैरह कुछ यूज नहीं है। 4 बहुत डिफरेंट तरह के आटे हैं। इसके अंदर जो मैरिनेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर, वो 8 तरह के मैरिनेशन होंगे। तो इससे पहले मैं मैरिनेशन बताऊं, उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं इसकी बेकिंग पर। तो जो आपने बताया कि इसमें 4 प्रकार के आटे मिक्स है, तो वो अपने लिए हेल्दी है या नहीं है हेल्थ के लिए? सर, हम लोगों का जो मेनली इंटेंशन है वो ये है कि आजकल के सभी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, फास्ट फूड और जंक फूड के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी है। हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट ये इसीलिए लेके आए हैं, जो ट्रेडिशनल फूड है हमें उनको ट्रेडिशनल फूड से इंट्रोड्यूस करना है। तो ये जो पूरी मैगी है पूरी मल्टीग्रेन की है और इसके अंदर फिलिंग भी पूरी व्हाइट मायोनीज की जगह व्हाइट सॉस यूज़ किया है, वो भी पूरा टमाटो सॉस की जगह शलजम सॉस यूज़ किया है, जो कि पूरी तरह हेल्दी है, कि किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है। हम लोग ट्रेडिशनल फूड को जंक फूड के फॉर्म में सर्व कर रहे हैं, बट ये पूरा ही हेल्दी फूड है, इसमें एक भी फैट फूड हमने यूज नहीं किया है। तो आइए हम आपको कुछ नए टेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, राजस्थानी स्वाद इंदौरी जायके के साथ। प्लीज वेलकम। आप जो हेल्थ का जो कंसेप्ट ध्यान रख रहे हैं, आप मैदे को रिप्लेस करके आटे का करना चाह रहे हैं? हाँ, मल्टीग्रेन सर। बिल्कुल। आपका शॉप का टाइमिंग क्या रहता है? रात को 8:30 टू 2:00 तक। ना कभी छुट्टी वगैरह? सराफा चौपाटी का जो टाइमिंग रहता है वही टाइमिंग रहता है। छुट्टी वगैरह में नहीं, हम लोगों का देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर है, लाइक आलू बाटी है, मूंग बाटी, मैक्सिकन बाटी है और पोटेटो विथ पेरी पेरी डबल चीज लोडेड है। उसके अलावा पिज्जा बाटी, जो पिज्जा बाटी है, जो फ्लेवर बाटी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा पिज्जा बाटी के बारे में। पिज्जा बाटी के अंदर जितने भी फ्लेवर्स अगर आप देख रहे हैं, वो सारे फ्लेवर आपको पिज्जा बाटी के अंदर मिलेंगे। एक ही बाटी के अंदर आपको सारे फ्लेवर, आपको सारी मरीन्स आपको उस बाटी के अंदर मिलेगी। जैसे अगर आप बर्गर खाते तो बर्गर में ऊपर कैप्सिकम आएगा, फिर ऑनियन आएगा, फिर उसकी टिक्की आएगी। तो इसी मेरी जो आप जो मेरा बेस देख रहे हैं, जो मेरा आप बाटी देख रहे हैं, जो मेरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो उसमें आपको सारे लेयरिंग सारे आपको मेरा जो इंटेंशन है वो पैसा कमाना नहीं है। मेरा इंटेंशन सर इतना था कि जो आज की जो यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा एडिक्टेड हो रही है, उसमें ज्यादा एडिक्टेड हो रही है, तो उसमें क्या पेट की बीमारियां और कुछ ये सकता। तो जो मेरा जो आइटम है, जो मेरा बाटी है, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही हेल्दी है। बचपन से इसको सब खा सकते हैं, एक बार आप भी जरूर टेस्ट करेंगे। 8 फ्लेवर के साथ में मैं 3 फ्लेवर इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, साथ में चीज़ और बटर के साथ में इसको गार्निश कर पाऊँ। आइए, हमारी जो बाटी थी वो थोड़ी सी बेक हो चुकी है, अब हम इसको चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ठीक है। ये अपनी मिक्स बाटी ना सारी, ये सब फ्लेवर बाटी, इसके अंदर 8 तरह के फ्लेवर और 3 तरह के फ्लेवर इसके ऊपर ऐड होंगे, तो मतलब टोटल एक बाटी में आपको 11 फ्लेवर मिलेंगे। वो जितने दिखने में जितना बेसिक है उतने खाने में वो उतना ही यमी होगा। ये मैंने इसके कर लिए 2 पीसेस। अब हम इस पे लगा देंगे बटर। अब इसमें कुछ डिफरेंट तरह के मसाले, सीक्रेट मसाले भी होंगे इसमें? हाँ जी, ये इसमें अगर आप जो दिखने में 3 बाउल्स हैं, बट दिखने में मैं आपको सच बताऊं तो इसमें 9 तरह के मसाले मिक्स्ड हैं। उसके बाद ये मेरा कुछ मैरिनेशन है, जो 3-8 फ्लेवर इसके साथ में और 3 फ्लेवर में इसके साथ में ऐड करूंगा ऊपर से। इसमें कॉर्न दिख रहा है, इसमें कॉर्न है, कैप्सिकम है, ऑनियन है, शेजवान है और कुछ मेरे मसाले इसमें ऐड होंगे, जो जो इस बाटी को और यूनिक और टेस्टी बना देंगे। क्या रुपए प्राइस होता है इस बाटी का सर? इसका रहेगा, ये वैसे देखा जाएगा 60 रुपीज से लेकर 120 तक है, जो मैं आपको खिला रहा हूँ। उसमें रहेंगे 11 फ्लेवर, तो इसका कॉस्टिंग रहेगा 120 रुपए मात्र। अरे, सारे फ्लेवर जो आपने लिख रहे हैं, ये सारे फ्लेवर इसके अंदर और 3 फ्लेवर में इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ सर। ठीक
120 रुपीज इसका प्राइस होगा। हाँ जी सर, इसका प्राइस 120 रुपए सर इसका प्राइस रहेगा। ये व्हाइट सॉस सर, मेयोनीज और टमाटर सॉस हम यूज नहीं करते हैं सर। ये आ जाएगा सर पुदीने का चटनी, ये साथ में आ जाएगा सर कुछ प्यूरी। अब इसका कुछ डेकोरेशन सर हल्का सा, आप देख रहे हैं जो सिंपल सा एक बेसिक सा पार्टी था अब वो दिखने में कितना यम्मी हो गया। मैं नॉर्मली अगर पिज्जा भी खाया तो वो 100 रुपए से स्टार्ट होता है, और आप हेल्दी चीज़ है सर, मैदे की एक खासियत रहती है कि वो मैदे से मिलकर बनता है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि सर वो मैदा जो रहता है थोड़ा सा पेट में जाकर आपको क्या रिएक्ट कर रहा है वो पता नहीं है। हाँ मैंने मैदे को रिप्लेस करके सीधे बाटी है जो अपने, हाँ जी, हाँ आटे पे लाना। मैंने एक्चुअल हेल्दी फूड से इंट्रोड्यूस करवाया सर। बिल्कुल, आप सबका ने सेहत का भी ध्यान रखना है, बचपन से लेके 55 लाख सबसे खा सकते हैं। इसको एक नाम ये भी दे सकते हैं कि बचपन से लेके 55 लाख की बात। पनीर आ गया ना? हाँ जी, ये पनीर था, ये चीज था सर, लड्डू काफी चीज़, बटर पनीर सब कुछ आ गया सर इसमें। 120 लोग काफी लोडेड हो चुके हैं। ये आ जाएगा सर कुछ मेरा इसका गार्निश करने का मसाला, इसके बाद इसको कुछ थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मेरा कुछ हो चुके रेडी। तो आइए इसको अपन टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका कैसा क्या स्वाद है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? आपने यहाँ पर क्या ट्राई किया? मैंने यहाँ पर जो स्पेशल है विनायक सिबड़ी। कैसे क्या टेस्ट लगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी नहीं कि डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का लगा ना, जैसे अपन पिज्जा खाते हैं उससे काफी डिफरेंट है। और अगर रेटिंग की बात करो, अगर आप 10 में से रेटिंग देना चाहते हैं 10 out of 10। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस अपने पास आ चुकी है फ्लेवर बाटी जिसका प्राइस है 120 रुपए। आइए इसको पहले टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। देखो आप सबसे पहले कितनी काफ़ी लोडेड है, अंदर भी इसमें कॉर्न वगैरह मेरे को दिख रहा है, इसको भी टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करके आपको बताता हूँ इसका कैसे का स्वाद है। काफ़ी बढ़िया स्वाद है, जो भैया ने इसमें मसालेज वगैरह मिलाए, चटनी जो है उसका परफेक्ट पौधरी वगैरह स्वाद आ रहा है। 120 रुपये प्राइस में बर्थडे, अगर आप अगर कहीं पे भी आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो 100 रुपये से स्टार्टिंग पिज़्ज़ा आता है, और वो मैदे वगैरह का बनाता तो थोड़ा हाँ अपने सेहत के लिए भी हार्मफुल है। अगर आप पिज़्ज़ा में कुछ डिफरेंट वेरायटी ट्राई करना चाहते हैं, कुछ यूनिक ट्राई करना चाह रहे हैं ना, तो आइएगा इंदौर के सराफा बाज़ार में, छोटा सराफा बाज़ार में सबसे एंड में अगर आप आएंगे ना तो यहाँ मिलेगा आपको श्री विनायक पिज़्ज़ा, जहाँ पर आपको मिलेगी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पिज़्ज़ा बाटीज़। तो आइएगा ट्राई करेगा, मुझे यहाँ की बाटी खा के काफ़ी पसंद आया। अगर आपको वीडियो देखकर मज़ा आया ना तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को जो पिज़्ज़ा खाना काफ़ी पसंद करता है और कुछ डिफरेंट टाइप का पिज़्ज़ा खाना पसंद करता है। मिलते हैं ऐसे इंदौर के नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।